तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे जो काली लिनक्स है उसमें हम हमारे स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए और उसे डाउनलोड करना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलो वीडियो की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों, आप क्या करें, सबसे पहले अपना जो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपका, आप जो काली लिनक्स में बोलते हो उसे आपको सिंपली ओपन कर लेना है। सो उसके बाद दोस्तों, आपके ऊपर सिंपली मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको सिंपली इसे टाइप करना है। सो आपके आप लिखना है sudo apt और install, और दोस्तों आपके यहाँ पर लिखना है सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर। सो दोस्तों, ये लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले तो sudo, उसके बाद apt install, और दोस्तों यहाँ पर सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर में एक भी स्पेस यहाँ पर मैंने नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली एंटर के बटन पे हिट करना है। सो उसके बाद दोस्तों आपको आपसे पासवर्ड पूछेगा आपका अपना काली लिनक्स का। सो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एंटर के बटन पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल होने जा रहा है। सो आपसे यहाँ पर देखते हैं कि बिल्डिंग डिपेंडेंसी ट्री डन वगैरह या सब, और दोस्तों डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू यहाँ पर आपको फाइल का बटन दबाना है। उसके बाद दोस्तों एंटर के बटन पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर देखते हैं वेटिंग फॉर हेडर्स, यहाँ पर बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है वर्किंग फॉर हेडर्स। सो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम समय में हो जाएगा आपका, 2-3 मिनट में आपका सारी, बहुत मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 मिनट में आपका यहाँ पर हो जाएगा डाउनलोड। सो जैसे कि आप यहाँ पर देखती है सिंपल रिकॉर्डर, यहाँ पर देखती है कितने KB का अभी हो चुका है यहाँ पर, यहाँ पर 47% दिखा रहा है और यहाँ पर 49%। सो कोई चिंता मत करो दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। और दोस्तों रीडिंग डेटाबेस 45% कम्प्लीट हो चुका है। इसे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपना सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाऊंगा। सो अभी तक 50% हुआ है, जब ये 100% कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों, जैसे कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखी है, हमारे यहाँ पर 100% प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है हमारा सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर हमें यहाँ पर कैसे ढूंढना है और कहाँ पर ढूंढना है। सो आपको सिंपली अपने मेनू का जो बटन होता है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर। सो अभी हमें यहाँ पर सर्च कर दिया है सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखती है हमारे यहाँ पर सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। सो आपको यहाँ पर सिंपली एक बार इसे क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ दोस्तों ऐसा इंटरफेस ओपन होने वाला है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों स्किप दिस पेज नेक्स्ट टाइम, उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर जो भी आपको सिंपल यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर करने में जो भी मदद करने वाला है आपको यहाँ पर सिंपली, मान लो कि यहाँ पर मुझे फ्रेम रेट चेंज करना है तो आप यहाँ पर आपका फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है इनपुट, और दोस्तों आपका यहाँ पर प्रोवाइड का नेम भी आप यहाँ पर देखते हो। सो मैं यहाँ पर देता हूँ टेक टिप्स पार्थ। सो टेक टिप्स पार्थ, उसके बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं फ्रेम रेट में। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट रेट फैक्टर, आप यहाँ पर जो भी आप कोडेक वगैरह चेंज करना है चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करने वाला। आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर जो भी करेंगे इसमें मिनिमाइज करके जो भी करेंगे आप यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। सो आपको सिंपली इसे बैक लाइन है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों पॉज रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक करना है। सो पॉज रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्डिंग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड ये सेव रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना होगा आपको। सो सेव रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ओपन फोल्डर पर आपको यहाँ पर जाना होगा। सो ओपन फोल्डर पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर जहाँ भी हमारा सेव हो चुका है यहाँ पर फाइल, हमें उसे सिंपली ओपन करना है दोस्तों। सो आप यहाँ पर जैसे ये ओपन हो रहा है दोस्तों, और ये ओपन हो चुका है यहाँ पर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर। हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर कुछ भी किया यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर करने के बाद वो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। आप यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी कुछ किया मिनिमाइज करके जो भी कुछ किया हमारा ये रिकॉर्ड हो चुका है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है यानी कि कोई परेशानी आपको, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं ऐसे इंटरेस्टों के साथ अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।